राजस्थान के जैसलमेर में हिस्ट्री शीटर चतर सिंह के एनकाउंटर मामले में सीआईडीसीबी ने जांच पूरी कर ली है। जांच में सीआईडीसीबी ने उस पुलिस टीम को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी है जिस पर चतर सिंह के एनकाउंटर करने के आरोप लगे थे। सीआईडीसीबी ने पुलिस कार्रवाई को सही ठहराया है, साथ ही चतर सिंह के परिजनों के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। मीडिया में सीआईडीसीबी की इस रिपोर्ट के बाद राजपूत समाज में उबाल की संभावना है, वे फिर से सड़क पर आ सकते हैं। राजपूत समाज व परिजनों ने यह कहकर प्राथमिकी दर्ज करवाई थी कि पुलिस ने चतर सिंह की हत्या की और फिर उसे एनकाउंटर का रूप दे दिया। इस मामले की जांच के लिए जैसलमेर, बाड़मेर समेत पश्चिमी राजस्थान में राजपूत समाज ने आंदोलन किया। कई दिनों तक धरने प्रदर्शन भी हुए। राजपूत समाज की मांग और आंदोलन को देखते हुए राज्य सरकार ने इस मामले की सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा, लेकिन सीबीआई ने इस मामले की जांच से इनकार कर दिया। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए सीआईडीसीबी मामले की पड़ताल करती रही। अब अपनी रिपोर्ट में चतर सिंह के परिजनों की रिपोर्ट को सही नहीं माना। जांच में सीआईडीसीबी ने माना है कि पुलिसकर्मी भोलाराम की रिपोर्ट सही है, कोई फर्जी एनकाउंटर नहीं था। हिस्ट्री शीटर चतर सिंह के एक कार में जैसलमेर के रामगढ़ थाने की तरफ आने की सूचना पर भोलाराम व 5-6 पुलिसकर्मी ने नाकेबंदी की। कार में चतर सिंह को देख भोलाराम व अन्य ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो भोलाराम को कार में खींच लिया और वे उसे ले जाने लगे। इस पर साथी पुलिसकर्मियों ने गाड़ी पर पत्थर फेंके और उसे रोकने के लिए टायर पर गोली चलाई, लेकिन गोली टायर से ऊपर निकलते हुए चतर सिंह के लग गई, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। चतर सिंह के परिजनों व राजपूत समाज ने इसे हत्या बताते हुए आंदोलन शुरू कर दिया। बड़े पैमाने पर आंदोलन चला, जिसके बाद पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई।